झूठ का बाजार बन चुका है सोशल मीडिया। मैं कौन हूँ? मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा योगा स्टूडियो चलाता हूँ अपना छोटा सा रोहिणी के क्षेत्र में। मैं आपको असलियत बताने की हिम्मत रखता हूँ। कोरोना वायरस की इतनी इतनी पब्लिसिटी हो रही है, इतनी पब्लिसिटी हो रही है, इससे ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन कि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है एलोपैथिक मेडिसिन की इंडस्ट्री कि वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है अपने अकॉर्डिंग। सब कुछ कर सकती है एलोपैथिक इंडस्ट्री, इतनी स्ट्रांग है। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कोरोना वायरस की। ये बात बिल्कुल सत्य है 100% की। जो कंपनियां एंटीवायरस बनाती है वो ही वायरस बनाती है ताकि उनके एंटीवायरस बिक सकें। नए नए वायरस रोज बनेंगे तो ही एंटीवायरस कोई अपडेट करेगा, खरीदेगा उनके एंटीवायरस को, उनकी दवाइयां एलोपैथिक मेडिसिन बिकती रहेंगी, चलती रहेगी मार्केट। अपने आप को स्ट्रांग बनाएं जितना हो सकता है। कोरोना वायरस के ऊपर आपने सुन लिया सारी कहानी कि भैया लक्षण क्या है, छींक आ रही है, जुकाम आ रहा है, बुखार आ रहा है, सब कुछ सबको पता है। और अपने हाथ ढक के रखें, साबुन से धोए, सैनिटाइजर का यूज़ करें, सबको पता ही बात है। अब पर अपनी इम्यूनिटी को क्यों नहीं स्ट्रांग करते? सिंपल सी बात क्यों नहीं समझते? क्यों एलोपैथी की दवाई को खाते रहते हो और क्यों अपने आप को और बीमार करते रहते हो, अपने आप को और वल्नरेबल करते रहते हो इन चीज़ों से? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। सबने कह दिया कि बहुत अच्छा उपचार है कि जो गिलोय की लकड़ी, जो गिलोय की बेल नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई हो, उस गिलोय की लकड़ी को, उस गिलोय की बेल का सेवन करो, उसको उबाल के पियो, उसको वैसे ही खा लो, जैसे मर्जी भी खा लो, नीम का सेवन करो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो ना। बहुत सिंपल सी बात है। एलोपैथी को यूज करना छोड़ दो। इस इंडस्ट्री को धीरे 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 करके दबाओ, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ऐसी बढ़ती रही ना एलोपैथी की और आप एलोपैथिक दवाइयां खाते रहे रोज रोज, क्योंकि एक एलोपैथी अपने साथ चार दवाइयों फ्री में ले आती है साथ में। एक आपको इनविटेशन कार्ड है एक शादी में जाने का, आप अपने चार रिश्तेदारों को साथ में ले जाओ, चार पड़ोसियों को साथ में ले जाओ, कोई अच्छा मानेगा? कोई खुश होएगा उस शादी में आप जाओगे तो? नहीं होएगा ना। ठीक इसी तरीके से एलोपैथिक दवाई एक शुरू होती है और चार अपने साथ ले आती है। आपने शुगर की लेनी शुरू करी तो वो बीपी की ले आएगी, थायराइड की अपने साथ ले आएगी, फिर किडनी की ले आएगी, फिर लिवर की ले आएगी। अगर आपने बीपी की दवाई शुरू करी है तो वो शुगर की ले आएगी, थायराइड की ले आएगी, किडनी की ले आएगी, लिवर की ले आएगी। सब साथ में चलती हैं जैसे भाई बहन हो सबके सब। अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बड़ी साजिश रची जाती है इनको, एलोपैथिक कंपनीज को नहीं परवाह कितने लोग मर जाएं। इतनी देश विदेशों में फैल रहा है बुरी तरीके से कोरोना वायरस, लोग मर रहे हैं बुरी तरीके से, हालत ख़राब है, और समझने को फिर भी कोई तैयार नहीं है। अभी भी एलोपैथिक दवाइयों की तरफ भाग रहे हैं, अभी भी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि वायरस हमारे शरीर पे हर समय होते हैं। हम इतने बैक्टीरियाज को दिन भर गले लगा के रखते हैं पर हमें कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो वैसे ही हर बंदा बीमार पड़ता रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोरोना वायरस सबकी बॉडी पे ऑलरेडी होता है, पर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोरोना वायरस क्या, कोई कोरोना वायरस का बापू भी नहीं कुछ कर पाएगा आपका। इस बात को समझो और एलोपैथी की इंडस्ट्री को थोड़ा सा दबाना शुरू करो। बड़े ओहदे पर जो लोग हैं वो इस बात को आपके सामने नहीं उजागर कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव होता है बहुत ज्यादा। मैं कौन हूं? मैं कोई भी नहीं हूं। मैं आपको बता सकता हूं सच। इस चीज को ध्यान में रख लो थोड़ा सा। बहुत सिंपल है चीजें, आप खुद कॉम्प्लिकेट करते हो उन चीजों को। समझो इन बातों को थोड़ा सा।